सोनिया गांधी के नेतृत्व में आप जब सरकार में आए 2004 में भी आए 2009 में भी आए, उसी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व में आप सबसे कम पार्टी मेंबर इंतजाम के हिस्से में लेके आए, 42, 44, 52 और सारे प्रदेश एक के बाद एक हारते चले गए। तो एक जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाते कि वो हार गए तो इसलिए हम भी आज हार जाएंगे और तो कोई बात नहीं है, पर कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है ना, आपको नहीं? मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में नहीं है, मैं ये बड़े मजबूती से कहना चाहता हूं। ये होता है ऐसे राजनीति में, बीजेपी की भी तो, भाजपा की भी तो 2 सीटें थी 84 में, भाजपा भी तो 2004 में घर बैठ गई थी। तो ये कह देना कि स्थिति खराब हो गई, कांग्रेस साफ हो गई, ये प्रचार की बात है, ये और कोई बात नहीं है। कांग्रेस में हम, मैंने कहा कि हमें संगठन की मजबूती, कि संगठन के माध्यम से ही हमारा संदेश जाता है, हमारा संदेश मतदाताओं तक जाता है, संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और संगठन है, संगठन संगठन में मजबूती कैसे आए, इसकी आवश्यकता है, संगठन कहाँ है? बिल्कुल है। आप कैसे कह रहे हैं नहीं है, जब आज कैसे कह रहे हैं, आज लोगों ने वेस्ट बंगाल में कंप्लीट करने दो मेरे को, कि वेस्ट बंगाल के अंदर 0 सीट आपके इतिहास के अंदर पहली बार आई है, आप देख रहे हैं वहां पर, आप के अंदर आसाम के अंदर आप कई साल में बिल्कुल सही है, वहां पांडिचेरी में आपकी सरकार चली गई, तमिलनाडु में क्योंकि उनके भरोसे आप जीत गए। तो कांग्रेस में सोनिया जी या राहुल जी ने जितवाई थी, ठीक है सोनिया जी ने 2004 में जितवाई, 2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व जिताई, परंतु अब तो लगता नहीं कि कांग्रेस के नेता जो 23 लोग थे उसमें आप नहीं थे, शायद आपका सिग्नेचर नहीं थे, आपको लगता नहीं कि आपने कहा आत्मचंदन की जरूरत है, ये नहीं कि कांग्रेस को नए नेतृत्व की जरूरत है इस वक्त? नहीं, ये हमने, ये हमारी कार्य समिति ने तय कर लिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा, सबसे जब हमारे जो AICC की मेंबर्स हैं सब बैठ पर इस पर चर्चा करेंगे, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या उपाय है। तो ये कह देना कि अब संगठन साफ हो गया, ये साफ हो गया, ये तो बहुत बड़ी एग्जैजुरेशन होगी। आज कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस की संस्कृति है, देश को दो चीजें चुननी है, कि अपने देश को हम मोदी के रास्ते में ले जाएंगे या अपने देश को भारत की संस्कृति के रास्ते में ले जाएंगे, ये फैसला करना पड़ेगा। और हमारे देश की जनता में आज बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत जागरूकता है, जो आप ज्ञान मतदाताओं को देते थे 10 साल पहले, आज वो ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आज का मतदाता आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, जैसे उन्होंने ज्ञान अभी दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस को बंगाल में दिया, मैं स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, कांग्रेस पार्टी जो थी ऑपोजिशन में रह करके भी बड़ी पार्टी थी और उनके नेता बाकी सबको मिला के चलते थे, आप लगता नहीं कि आज जो UPA जो एक नाम की संस्था थी वो निपम एकदम पंगु हो गई है, उसका नेतृत्व जो सोनिया जी करती थी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, आपको लगता नहीं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन कांग्रेस के नेतृत्व में होती थी पहले किसी और बड़े, आपने कहा ममता जी बहुत एक नेशनल लीडर है, आपने उनकी तारीफ की चुनाव के बाद, आपको लगता है कि ममता जी को UPA का नेतृत्व बनाना चाहिए, ऑपोजिशन लीड करने की लीडरशिप देनी चाहिए उनको? ये मुझे लगते की बात नहीं है, आज UPA को बैठ के फैसला करना पड़ेगा, ये UPA को बैठ के मुझे नहीं लगता है। हाँ, ममता जी एक हमारी देश की नेता है, उन्होंने अपना स्थान बनाया है, तीसरी दफे वे मुख्यमंत्री बनी है, और सब इस पर बैठ के चर्चा करें, सोनिया जी भी ममता जी से बात करिए, सोनिया जी भी जानती है क्या स्थिति है, आज किसी ने अपनी आंखें नहीं बंद करी, पर हमें याद रखना है कि बंगाल में हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं था, हमारा मुकाबला ममता से नहीं था, ममता का मुकाबला बीजेपी से था, सब जानते थे पहले दिन से,